राखी को अपने मकसद में कामयाब होता देख पूरी तरीके से टूट गई सई। आप देख सकते हैं कि सई जब घर पहुंची और देख रही है कि ये सब कुछ हो गया है तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से टूटी नजर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और गुम है किसी के प्यार में। एक बार फिर से काफी अजीब गरीब मोड़ पर जा पहुंचा है। एक बार फिर से सई पूरी तरीके से टूट गई है। एक बार फिर से उसे समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर वो गई थी गीता को ढूंढने, लेकिन यहाँ तो पाखी ने अलग ही खेल कर दिया और वो हो गई प्रेग्नेंट। जी हाँ, सरोगेसी का जो काम है, जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो गया है। और ये देखने के बाद जब सई को पता चलता है ये सारी बातें, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा भड़क रही होती है विराट पर, लेकिन विराट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और विराट इस सरोगेसी के लिए मान जाता है। ताकि विराट जो है वो बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन फिर उसे और कोई रास्ता नज़र नहीं आता और यहाँ पर फिर वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। जब सई पहुँचती है और देखती है सब कुछ उल्टा हो गया, तो वो पूरी तरीके से टूट जाती है। आप देख सकते हैं ये BTS फोटो सामने आई है, जिसे देखने के बाद आप सबको लगेगा कितना बुरा हो रहा है सई के साथ। वेल, सई को देखकर आप उसके दुख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो सई के फैंस हैं वो लगातार सई को लेकर बेहद दुखी नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ इस शो को बंद करने की मांग भी हो रही है। आप यहां पर देख सकते हैं सई पूरी तरीके से टूटी दिख रही है। उसके सिर पर चोट लगी हुई है क्योंकि गुंडों ने उसे मारा है और ये सारा काम पाखी ने करवाया है। इधर आपको बता दें कि पाखी जो है प्रेगनेंसी के बाद एक अलग ही लेवल पर जाने वाली है। वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीजियाँ करने वाली है। वो विराट को अपने वश में करने के लिए किसी भी लेवल पर चली जाएगी। वेल, उसे सिर्फ और सिर्फ चाहिए विराट। उसे बच्चे का कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ विराट चाहिए और वो धीरे धीरे विराट के करीब जाने की कोशिश करेगी, अपनी सिंपथी लिया करेगी, जिसके बाद विराट भी कुछ पाखी की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये देखकर सई एक बार फिर से टूटेगी। हालांकि आपको बता दें कि सई ने जब पहले इस बारे में सुना कि जो पाखी है वो सरोगेट कर चुकी है और उसे लग रहा है कि अब तो कोई रास्ता नहीं बचा, तो वहीं पर जो विराट है वो उसको समझाता भी है कि ये हमारे लिए सही था, क्योंकि हमारे सामने पाखी रहेगी तो हम देख पाएंगे कि पाखी क्या कर रही है और हम प्रॉपर केयर कर पाएंगे। जिसके बाद सई जो है वो रेडी तो होती है और सई अपने आप को समझाती भी है, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सई जो है वो पूरी तरीके से बिखर गई है, क्योंकि उसने ये कभी नहीं सोचा था। सई कभी ये नहीं चाहती थी कि विराट की बच्ची की माँ पाखी बने, क्योंकि वो जानती है कि जो पाखी है उसके इरादे ठीक नहीं है। बात करें विराट की, तो विराट को तो कुछ समझ नहीं आने वाला है और विराट की आंखों पर पट्टी बंधने वाली है। वो बाद में पाखी को ही सपोर्ट करने वाला है, जिसके बाद सई काफ़ी ज़्यादा टूट जाएगी और भी, और फिर वो ये घर छोड़कर जाने का प्लान कर सकती है। फिलहाल सई की ये हालत हुई है, पूरी तरीके से टूटी नजर आई। यहाँ पर जब विराट उसको बताएगा सब कुछ, तो और भी ज़्यादा वो टूट जाती है, तो वहीं पर विराट पर वो बहुत भड़कती है, तो विराट भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इधर पाखी को ये सब देखकर बहुत मज़ा आता है। अब पाखी जो है वो विराट और सई को अलग करने के लिए नेक्स्ट लेवल पर चाल चलने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्मी बीट सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।